अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप? दिस इज एफिल एंड यू आर वाचिंग कोडर ऑफ टुडे। तो दोस्तों, पिछली वीडियोस में हमने जो मेन मेजर यानी कि जो हमारी टाइप सी कंप्यूटर की, सुपर कंप्यूटर, वर्क स्टेशन कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी फ्रेम एंड मेन फ्रेम कंप्यूटर, उसकी मुकम्मल सीरीज हमने कंप्लीट की, लेकिन उसका हमने क्विज नहीं दिया। क्विज हम इस जो कंप्यूटर के कंपोनेंट्स हैं इनको हम ब्रीफली से जानकर हम क्विज भी देंगे, और क्विज दोनों का इकट्ठा हो जाएगा जो कि 50 क्वेश्चन पर मुश्तमिल होगा। तो क्विज बहुत ही VIP होगा और क्विज आपने लाजमी देना है। तो यहाँ पर इस वीडियो में हमने जानने हैं कंप्यूटर के कंपोनेंट्स, कि कंप्यूटर के पार्ट कौन से होते हैं, कंप्यूटर के ऐसे कौन से पार्ट्स हैं जिनकी वजह से कंप्यूटर जो है वो वजूद में आता है। तो दोस्तों, आइए जान लेते हैं कंप्यूटर के कुछ ऐसे पार्ट जिनसे जो कंप्यूटर है वो वजूद में आता है। तो दोस्तों, कंप्यूटर कंपोनेंट्स आर एसेंशियल, यानी कि ये वो ज़रूरी हिस्से हैं जिनकी वजह से कंप्यूटर सिस्टम बनता है। जैसे कि एक इंसान है ना, इंसान यानी कि एक इंसान तो खैर छोड़ें, एक रोबोट है। अगर रोबोट को हमने बनाना हो तो उसके जो हाथ हैं वो भी हमको लगाने पड़ेंगे, उसके जो पाँव हैं वो भी हमको लगाने पड़े, उसका जो सारा हैड है वो भी लगाना पड़ेगा, तभी वो कंप्लीट होगा। अगर एक मोटर है तो उसको इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ेगी, उसको तो उसमें तार जो कॉइल है वो लानी पड़ेगी, इस वजह से वो मोटर कंप्लीट होगी। तो इसी तरह से कंप्यूटर में ऐसी 5 चीज़ें ज़रूरी हैं, ऐसे 5 मेन कंप्यूटर के कंपोनेंट हैं जिनकी वजह से कंप्यूटर वजूद में आता है, कंप्यूटर मुकम्मल वर्किंग में आता है और कंप्यूटर अच्छे तरीके से काम करता है। ये भी एक इंसान की तरह, अगर इंसान दिमाग ना हो, हाथ पांव सब कुछ हो तो वो बेकार है। अगर इंसान में दिमाग है, हाथ पांव नहीं है तो भी कुछ काम के नहीं, मतलब किसी काम, मतलब किसी हद तक वो काम का नहीं रहता, लेकिन इंसान फिर भी किसी हद तक काम आ जाता है। लेकिन ये मशीन है, मशीन का अगर एक पुर्जा खराब हो तो वो किसी काम में नहीं रहती। तो यहाँ पर जो कंप्यूटर के कंपोनेंट है वो हम 5 हैं। अच्छा, द कंपोनेंट डेट मेक अप अ कंप्यूटर आर कॉल्ड कंप्यूटर कंपोनेंट, वो ऐसे कंपोनेंट हैं जो कि कंप्यूटर को कंप्यूटर बनाते हैं, यानी कि कंप्यूटर को कंप्यूटर लफ्ज तब कहलाएगा जब उसके वो पार्ट ज़रूरी हों। तो उनमें से जो पहले पार्ट है वो CPU भी है, मेमोरी भी है, इनपुट जिसमें लेते हैं, आउटपुट होते हैं, डिवाइसेस है, जो कि एवरी कंप्यूटर की 3 जो मेन बिल्डिंग ब्लॉक है ना वो ये है, यानी कि इनपुट लेना, प्रोसेस करना एंड आउटपुट देना। ये किसी भी कंप्यूटर डिवाइस की मेन प्रोसेस हैं, ये 3, इनपुट लेना, प्रोसेस करना एंड आउटपुट देना। उसके बाद 5 कंपोनेंट भी ज़रूरी हैं, यानी कि 5 कंपोनेंट से कंप्यूटर मुकम्मल वजूद में आता है। अच्छा, इनिशियली कंप्यूटर वर्क प्राइमरी यूज, जो इब्तदाई कंप्यूटर थे ना वो न्यूमेरिक यानी कि कैलकुलेशन करने के लिए, वो सिर्फ कंप्यूटेशन और कैलकुलेशन करने के लिए होते, जैसे कि जमा हो गई, सब्ट्रैक्ट हो गया, उसके बाद मल्टीप्लाई हो गया, डिवीजन हो गया, ये तमाम काम करने के लिए जो इब्तदाई कंप्यूटर से इस्तेमाल हो चुके हैं होते थे। लेकिन अब जो कंप्यूटर हैं ये बहुत ही मॉडर्न कंप्यूटर हैं, बहुत ही मॉडर्न कंप्यूटर हैं, बहुत ही मॉडर्न कंप्यूटर हैं। ये इंसान ही की तरह हर किस्म का काम कर सकते हैं। अभी तो ChatGPT आ गया, AI आ गया, AI अभी इन्वॉल्व होने वाला है, 2030 में इंशाल्लाह AI इतना मजबूत हो जाएगा कि इंसान की मतलब ज़रूरत बहुत ही कम रह जाएगी, और ये पावरफुल होने वाला है अगर AI को अभी रोका ना गया तो। AI पर अभी बात नहीं करें क्योंकि उसके एडवांटेज भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो यहाँ पर जो कंप्यूटर के प्राइमरी हैं, यानी कि प्राइमरी तौर पर जो कंप्यूटर था वो कंप्यूटेशन काम के लिए होता था, लेकिन अभी जो कंप्यूटर वो हर किस्म का काम कर सकता है। अच्छा, द ब्यूटी ऑफ कंप्यूटर इंटरप्रेट इन्फॉर्मेशन फॉर सेवरल पर्पस फॉर क्विकली रिकॉग्नाइज्ड। अच्छा, ये जो कंप्यूटर के कंपोनेंट है ना, ये कंप्यूटर को इस काबिल बनाते हैं कि हाँ, तुम इंफॉर्मेशन भी जल्दी ले लो और इंफॉर्मेशन को जल्दी दे भी दो, ये कंपोनेंट मदद देते हैं। तो जो कंपोनेंट है 5 वो ये हैं, इनपुट डिवाइसेस, CPU, आउटपुट डिवाइसेस, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। अगर इनमें से एक भी ना हो तो हमारा जो कंप्यूटर है उसकी वर्किंग बहुत ही बेकार रह जाएगी। अगर इनपुट डिवाइस ना हो तो काम ही नहीं होगा, यानी कि हमको कीबोर्ड, अगर माउस ना हो या किसी किस्म का भी इनपुट डिवाइस ना हो तो वो बेकार हो जाएगा। अगर CPU प्रोसेस करना ना हो तो इनपुट देकर फ़ायदा, कुछ काम का नहीं रहता। अगर आउटपुट डिवाइस ही ना हो, अगर आउटपुट लेना ही नहीं है, इनपुट देना, प्रोसेस करना, तो भी किसी काम का नहीं। प्राइमरी मेमोरी होती है रैम, सेकेंडरी मेमोरी होती है हार्ड डिस्क, ये दोनों अभी ब्रीफली से जानेंगे, इनकी टाइप्स भी जानेंगे। अच्छा, इनपुट डिवाइसेस को आप यूँ जान लें कि ऐसी तमाम डिवाइसेस जिनकी मदद से हम कंप्यूटर में इनपुट देते हैं और कंप्यूटर कुछ काम करता है, वो इनपुट डिवाइसेस कहलाती हैं। जैसे कि माउस हो गया,
जैसे कि कीबोर्ड हो गया, जैसे कि स्कैनर हो गया, स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है, जैसे कि जो गेम में हम बटन दबाते हैं वो हो गया, माइक हो गया, उसके बाद वेब कैमरा हो गया, ये भी इनपुट लेता है। अच्छा, आउटपुट डिवाइसेस में मॉनिटर आ जाता है, प्रिंटर आ जाता है, स्पीकर आ जाता है, प्रोजेक्टर आ जाता है, हेडफोन आ जाता है। स्टोरेज डिवाइसेस में हमारी यूएसबी आ जाती है, मेमोरी कार्ड आ जाता है, हार्ड डिस्क आ जाती है, सीडी और डीवीडी ड्राइव होती है, उसके बाद एक्सटर्नल डीवीडी आ जाती है, उसके बाद ये कुछ डिस्क है ये आ जाती है, ये यूएसबी आ जाती है, ये तमाम आउटपुट डिवाइसेस है। अच्छा, जो इनपुट डिवाइसेस में पहली इस्तेमाल होने वाली इनपुट डिवाइस है ना, मतलब सबसे ज़्यादा और सबसे मेन कंप्यूटर में जो इनपुट डिवाइस इस्तेमाल होती है वो होती है कीबोर्ड। कीबोर्ड की मदद से आप किसी किस्म के भी डाटा दे सकते हैं, किसी किस्म का टेक्सचुअल डाटा। ये आप याद रहे, किसी किस्म का टेक्सचुअल डाटा। यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसकी मदद से आप हथौड़ा दे दें या बिस्कुट इसको दे दें, कुछ भी दे दें, तो ऐसा नहीं हो सकता। किसी किस्म का टेक्सचुअल डाटा, करैक्टराइज डाटा, वो आप दे सकते हैं। अच्छा, माइक दूसरी एग्जांपल है जो कि बहुत ही कॉमन है। मैं अगर आप यहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो माइक की वजह से कर रहा हूँ, हेडफोन पे लगा हुआ माइक उसकी उससे रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो क्या दे रहा हूँ, इनपुट दे रहा हूँ। उसके बाद स्कैनर है, स्कैनर भी एक इनपुट डिवाइस है। उसके बाद माइक्रोफोन है, माइक्रोफोन और माइक ये एक ही तरीके से काम आते हैं। ये भी मतलब ये भी कंप्यूटर में आउटपुट देने के लिए होते हैं, क्या इनपुट देने के लिए। इनपुट क्या देते हैं, ऑडियो देते हैं, ऑडियो सिस्टम को देते हैं, सिस्टम उसके बाद प्रोसेस करता है, उसके बाद सिस्टम ऑडियो पर हम बहुत सी कर सकते हैं। अच्छा, माइक्रोफोन किस काम आता है, ये हम अब जो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ इसके रिकॉर्डिंग के भी काम आ रहा है। पॉडकास्ट अगर किसी दो माइक लगे हों, एक बंदा सामने बैठा हो, एक बंदा उसके सामने बैठा हो, तो दोनों आपस में पर जो बातचीत कर रहे हैं वो पॉडकास्ट करते हैं। एक टॉपिक पर अगर वो डिस्कस कर रहे हैं तो वो पॉडकास्ट कर रहे हैं। उसके बाद पार्टिसिपेटिंग पार्टीज़ वगैरह में ये माइक इस्तेमाल होता है, वीडियो की कॉन्फ्रेंसिंग में इस्तेमाल होता है। उसके बाद वॉइस मेमोज यानी कि मेमोरी, जो डबिंग करते हैं मूवीज़ की, उनकी में माइक इस्तेमाल होता है। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो अगली वीडियो में हम CPU के मुतल्लक बहुत ब्रीफली से जानेंगे। तो ये थी एक वीडियो जिसमें मैंने आपको कंप्यूटर के जो 5 कंपोनेंट, इनके छोटे छोटे नाम बताए, उनकी छोटी छोटी डेफिनेशंस बताएं, उसके बारे में जो डिटेल है वो हम अगले आने वाली वीडियो में कवर करेंगे। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।